यूपी के जौनपुर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। खुद को नायब तहसीलदार का प्राइवेट चपरासी बताते हुए एक व्यक्ति ने डीएम से घूस के पैसे में अपना हिस्सा बढ़वाने की मांग की है। मामले में डीएम ने जांच के आदेश भी दिए हैं। कर्मचारी का ये शिकायत पत्र वायरल होते ही चर्चा का विषय बन गया है। बीते 3 सितंबर को डीएम को एक शिकायत पत्र मिला। शिकायत पत्र में लिखा है, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, प्रार्थी राजा राम यादव नायब तहसीलदार लपरी साहगंज शैलेंद्र कुमार सरोज का प्राइवेट चपरासी हूँ। सारा घूस का पैसा हम ही अधिकारियों व जनता से वसूलते हैं। मेरे नीचे अवनीश यादव व अजीत यादव हैं। हम लोग लगातार झगड़ा कर मारपीट कर घूस का पैसा वसूलते हैं। अतः श्रीमान जी, सभी प्राइवेट चपरासी को ₹1,000 प्रतिदिन मिलता है, मुझे ₹500 ही नायब तहसीलदार देते हैं, मेरा पैसा बढ़वाया जाए। ये शिकायत पत्र मिलते ही जिलाधिकारी ने SDM सागंज को जांच सौंपी, जिसके बाद जांच टीम तहसील परिसर में जांच करने पहुंची। डीएम ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक जांच में जो तथ्य सामने आया है उसमें राजा राम यादव नाम का कोई भी व्यक्ति सागंज तहसील में कोई काम नहीं करता। जांच कराई जा रही है। क्या ये किसी की शरारत है या कुछ और? जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारद रिटर्न न्यूज पर। ये इसको भी हमने भी देखा है, और जो मैंने प्रारंभिक रूप से SDM से एक रिपोर्ट मंगाई थी उसमें ये कोई चपरासी नहीं है, वहाँ पे कोई प्राइवेट कर्मचारी उन्होंने अपने आप को उस व्यक्ति ने बताया जो पत्र में है, ऐसा कोई व्यक्ति भी सामने नहीं आया। तो मैंने आज अपने जो ADM है, FR है, उनको वहाँ पे भेजा है कि कौन ये व्यक्ति है इसके बारे में पता कर लें। और राजाराम यादव नाम का तो कोई व्यक्ति अभी प्रारंभिक रूप से उन्होंने नहीं बताया, कोई राजाराम निषाद करके कोई व्यक्ति अभी वो उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया, तो मैंने उनसे कहा है कि डिटेल में एक बार बात करें क्या किसने ये चिट्ठी लिखी, कोई ऐसा व्यक्ति सामने आता है या फिर किसी की शरारत है जानबूझ के, और अगर कहीं पे कोई व्यक्ति दोषी है तो उस पर तो हम कार्रवाई करेंगे, और अगर शरारत है तो उसमें भी वो किसने इसको किया है तो उसमें भी जांच करेंगे। तो उसमें अब अपर जिला मैजिस्ट्रेट मुझे जांच रिपोर्ट देंगे, फिर हम लोग फर्दर उसमें। अक्सर कार्यालयों में देखे जाते हैं कि ऐसे प्राइवेट से लोग रखे हैं। नहीं, प्राइवेट अब कोई भी व्यक्ति नहीं है किसी भी तहसील में। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी प्राइवेट कर्मचारी किसी भी तहसील में, थाने में, ब्लॉक में कहीं भी काम करता हुआ ना मिले। तो ये सभी हमारे ऑफिसर्स को, सभी लोगों को पता भी है, कोई व्यक्ति अगर कराता है तो वो अपने लिए खुद ही मुसीबत वो पैदा करेगा, और उसमें हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से हैं कि उसमें विभागीय कार्रवाई करेंगे, उनका जो करियर है वो खतरे में आ जाएगा। तो आपके आपके माध्यम से फिर भी मैं फिर से समस्त अधिकारियों को और सभी जो तहसील स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, थाना स्तरीय जितने भी अधिकारी कर्मचारी गण हैं सबको मैं ये आगाह करूँगा कि किसी भी दशा में किसी भी प्राइवेट कर्मचारी को, किसी प्राइवेट व्यक्ति को, किसी बिचौलियों को अपने कार्यालयों में ना बिठाएं, उनको एंट्री ना करने दें। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार की एक शिकायत यहाँ ये काला ऑफिस में जो लैंड एक्विजिशन का ऑफिस है उसमें आई थी, उस पर हम लोग बहुत ही हैवी कार्रवाई अभी करने जा रहे हैं। उसमें वो डिटेल जो जाँच है वो हमारी समाप्त हो गई है। तो इस प्रकार से कोई भी बिचौलिया और कोई भी कर्मचारी मिलीभगत करके अगर ये प्रयास करेंगे कि शासकीय धन को कहीं पे उसमें किसी प्रकार का गड़बड़ करें या लोगों को परेशान करें तो उस पर सख्ती से निपटेंगे, यही माननीय मुख्यमंत्री निर्देश है, उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। सर, जो लेटर वायरल